नमस्कार, आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, विदेशों में नौकरी छोड़कर लाखों के पैकेज को ठुकरा कर देव सेवा का जज्बा पाले एक गांव का लड़का बना है लेफ्टिनेंट। सुनने में ये कहानी आपको फिल्मी लग सकती है, पर यह है हकीकत। लाखों के पैकेज के बाद जब सेना में शामिल होने का मौका आया तो दुविधा थी कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें या देश को सेवा करें। दुविधा के बीच युवक ने सेवा को चुना। युवक के इस फैसले से उसके माता पिता खुशी से नहीं समा रहे। ये पूरा मामला वाराणसी के चोलापुर विकास खंड का है, जहां बाबतपुर गांव में अध्यापक के एक लौते पुत्र किशन चौबे मलेशिया के कंपनी में 36 लाख का पैकेज छोड़ सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। किशन ने अपने चाचा एके चतुर्वेदी को बचपन से ही सेना के बारे में जानकारी देते और उनके ही प्रेरणा व उत्साह के कारण सेना में शामिल होने की भावना जागृत हुई। पढ़ाई के साथ साथ सेना में शामिल होने का इरादा बढ़ता गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत होने के बाद भी एसएसबी की तैयारी करते रहे। एक समय ऐसा आया जब नौकरी छोड़कर तैयारियों में शामिल हो गए। एक समय ऐसा आया कि एक तरफ 36 लाख रुपए का सालाना पैकेज सिंगापुर में, तो दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट का पद। तो किशन ने सेना में शामिल होने का फैसला लिया। किशन के माता पिता ने बताया कि बचपन से ही किशन शालीन एवं शांत स्वभाव के प्रेजेंट ऑफ माइंड बच्चे थे। उन्हें प्रकृति, सुंदरता, खेल कूद करना काफी पसंद था। किताबें पढ़ने का उन्हें काफी शौक था। ट्रेनिंग के दौरान करीब 500 किताबें किशन ने पढ़ ली थी। किशन ने सन 2015 में इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद कैंपस सिलेक्शन में 5 लाख का पैकेज मिला था। कंपनी में अच्छे काम के कारण मेडल और पुरस्कार भी दिए गए थे। कंपनी ने 6 महीने में काम करने के लिए मलेशिया भेजा जा रहा था, जहां पर 18 लाख का पैकेज था। इसके बाद अन्य कंपनी में भी ऑफर आने लगे, जिसके बाद बैंकॉक चले गए, जहां पर 24 लाख का पैकेज मिला था। बैंकॉक के बाद सिंगापुर के लिए ऑफर आया, जहां 36 लाख का पैकेज मिलना था, जिसे त्याग कर किशन ने चुना देश सेवा करने का निर्णय लिया। और उनके माता पिता उनके इस कार्य से साथ ही साथ परिवार और रिश्तेदार काफी प्रसन्न है। ऐसे में आइए सुनाते हैं उनके परिवार वालों के साथ साथ किशन ने क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। जी, परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम उषा चौबे है, मैं किशन की मम्मी हूँ। किशन, बचपन से कैसे थे, आज लेफ्टिनेंट कर्नल बने, तो किस तरह आपको खुशी हो रही है? किशन बचपन से ही बहुत शांत और सरल स्वभाव के थे। उनका कभी बचपन से ही आज तक कोई कंप्लेन नहीं मिला हमको, चाहे वो गांव में हो या उनके स्कूल में हो या कॉलेज में हो, कहीं भी आज तक कोई कंप्लेन नहीं हुआ। एकदम शांत बचपन से ही। जी, बचपन में बच्चे शरारती होते हैं, उनका माइंड कहाँ होता है बचपन में, पता चल, तो बचपन में लग रहा था कि वो लेफ्टिनेंट बनेंगे? बचपन में ये लग रहा था कि इनका दिमाग ऐसा है कि ये कुछ तो आगे अच्छा बनेंगे, क्योंकि एकदम शांत, पढ़ने में अच्छा, और जो भी काम इनको रहता था उसके लिए कभी मुझे कहना नहीं पड़ा इनके पढ़ने के लिए। तो ये उम्मीद सबको था कि ये कहीं ना कहीं कुछ बढ़िया बनेंगे। क्या कुछ ऐसी कुछ याद जो इनके साथ लगा हुआ आपको कि इस तरह से कुछ करेंगे? बचपन से लेकर, पढ़ाई से लेकर? बचपन से लेकर बताइए, जैसे कि इनको पढ़ाई से कोई मुझे कभी दिक्कत नहीं हुआ। जो भी था, जिस भी क्लास में थे, जहाँ भी पढ़े, चाहे वो गांव में रहे हों या महाराष्ट्र में मुंबई में पढ़े, कभी मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुआ उसके लिए। वो अपनी तैयारी, अपना सब कुछ अपने से करते थे। कितनी खुशी है आज देश सेवा के लिए इन्होंने? बहुत खुशी है। और अच्छा खासा पैकेज भी स्कोर के आए हैं देश सेवा में। क्या कहेंगे आप, माँ है, और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है, पैसा तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन ये जो देश सेवा है ये हर जगह नहीं हो पाएगा। देश सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और ये इस स्तर पे गए हैं अपने क्षेत्र का, अपने डिस्ट्रिक्ट का,
अपने गांव घर का, अपने रिश्तेदारों का, सबका इतना मान बढ़ाए, तो ये मुझे बहुत खुशी है। मेरा पर्चे है, मैं बाबतपुर का, मेरा नाम शिवम चौबे है, मैं बाबतपुर का निवासी हूँ। हम लोग किशन भैया को बचपन से देखते आ रहे हैं, उनको देख के काफ़ी प्रेरणा पहले भी मिली है, अब तो भाई बात ही अलग है, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट होना देश के लिए सर्वोच्च, मतलब एक अच्छी, सबसे अच्छा पोस्ट कहा जाए तो एक है, एक लेफ्टिनेंट बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये गांव के लिए सबसे सम्मान की भी बात है। कितना युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेंगे सेना की तरफ जाने के मोटिवेट? देखिए, युवाओं को ज़रूरी नहीं कि सब जगह मतलब सेना को ही भेजा जाए, मगर ये है कि भाई जिसका जिसमें मन हो, अगर युवा चाह रहे हैं कि सेना में जाएं तो बिल्कुल जा सकते हैं। जो सेना में जाने चाहते हैं उनके लिए कितना प्रेरणादायक बनेंगे ये तो फुल 100%, क्योंकि जो बना है भाई उसको देख के आदमी आगे सोचता है ना कि नहीं चलो लेफ्टिनेंट बने तो उससे ऊपर बने या उससे नीचे ही बने, ये होता है भाई। कि क्या कुछ बातें इनसे हुई, क्या कुछ उन्होंने बताया, ट्रेनिंग की बात हो, चाहे सेना में जाने की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, क्या कुछ लगा कि हम भी अगर ऐसा करें तो कुछ हमारे साथ दोस्त? इन्होंने बताया हम लोगों को कि कैसे स्ट्रेस कम किया जाए या फिर कैसे पढ़ाई की जाए। इन्होंने ये भी बताया कि टेक्निकल एंट्री कैसे होती है, मतलब कोई अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट हो गया तो वो कैसे आर्मी में जा सकता है, ये सब बातें इन्होंने हम लोग को काफ़ी ब्रीफली बताई। मैं लेफ्टिनेंट किशन चौबे, 29th मई को इंडियन आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट कमीशन हुआ हूँ, फ्रॉम ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। आप मल्टीनेशनल कंपनी में थे, अच्छे पैकेज पे थे, तो सेना की तरफ किस तरफ मुड़े और कैसे ध्यान आकर्षित हुआ? मल्टीनेशनल कंपनी में तो मैंने सिंस इंजीनियरिंग किया था तो वहाँ पे जॉब कर रहा था, लेकिन सेना में मेरे बचपन से एक झुकाव था सेना में। मेरे चाचा अभी सेना में सर्विंग सुबेदार हैं, तो जब भी छुट्टियां होती थी तो उनके पास मैं छुट्टियों में 2-3 वीक या महीने भर रहने जाता था, तो उस जगह से मुझे सेना के लाइफस्टाइल और सेना के बारे में पता चला, तो वो हमेशा से एक झुकाव था। मैं जॉब के साथ साथ इसके लिए ट्राई करता रहा और इस बार फाइनली सक्सेसफुल हुआ और कमीशन हो पाया मैं एज ए लेफ्टिनेंट। कहाँ से आपकी शिक्षा और दीक्षा हुई है? मेरा बेसिक एजुकेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड इसी गाँव से शुरू हुआ था। फर्स्ट स्टैंडर्ड सरला विनस एकेडमी है गांव में ही, वहां से शुरू किया। सेकंड स्टैंडर्ड से मैं मुंबई के अभिनव विद्यालय में सेकंड से टेंथ स्टैंडर्ड तक पढ़ा, उसके बाद 11th और 12th KV भंडारकर कॉलेज जो कि मुंबई में है वहीं से किया, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री ली। उसके बाद मेरी पहली जॉब थी मुंबई में ही, अगेन एक मल्टीनेशनल कंपनी में, 2 साल मैं मुंबई में था। उसके बाद फिर उसी कंपनी के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मलेशिया में जो सर्व करने का, फिर वहाँ से मैं आया, लेकिन हमेशा ये था कि सेना में जाना है, तो वहाँ से आके भी मैंने बीच में SSB दिया, जब भी SSB के डेट्स आते थे आर्मी के लिए तो मैं छुट्टी उसके हिसाब से अपनी प्लान करता था और उस हिसाब से मैं आके SSB देता था। फिर फाइनली वहाँ से मैं वापस आया, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया कि नहीं अब फिर से हार्ड को मतलब फुली डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन करूँगा, जॉब के साथ नहीं हो पाएगा, फिर वो शुरू किया उसी के साथ साथ करते करते फाइनली आफ्टर 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन मेरा SSB क्लियर हुआ, मेडिकल क्लियर हो गया। फिर तब तक उसी के साथ जॉइनिंग में थोड़ा टाइम था, एक पैरेलली एक और ऑफ़र आ गया थाईलैंड का, तो मैं उसके बाद थाईलैंड चला गया था, वहाँ पे मैंने अराउंड 6 मंथ्स जॉब किया और तब तक फिर यहाँ की जॉइनिंग डेट आ गई थी मार्च, तो मैं मार्च में वापस आ गया था, मार्च 2020 में इंडिया वापस, और एकेडमी जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर कोरोना की वजह से हमारी ट्रेनिंग 3 महीने डिले हुई और फाइनली हमने एकेडमी 13 जून 2020 को ज्वाइन किया, और उसी के टाइम पे मुझे जब यहाँ का एकेडमी ज्वाइन करने के जस्ट 1 हफ्ते पहले एक ऑफ़र आया था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही सिंगापुर में, तो वो एक बहुत बड़ा डिलेमा था कि कौन सी जॉब चूज़ करें, यहाँ पे एक अच्छा पे पैकेज था बट यहाँ पे एक अच्छी लाइफस्टाइल थी, तो फाइनली मैंने एक अच्छी लाइफस्टाइल और सर्विस टू कंट्री चूज़ किया और इंडियन आर्मी में। सिंगापुर में जो पैकेज थी कितना था? सिंगापुर में मुझे जो ऑफर्ड पैकेज था वो इंडियन नेशनल रुपये में 36 लाख पर NM था, 36 लाख पर मंथ पर ईयर का। अच्छा, पढ़ाई सर्विस के साथ साथ पढ़ाई करना तैयारी करना तो कितना कैसे समय देते थे आप? पहली बात तो इसके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, मतलब कितनी भी टायरिंग डे हो ऑफिस में 8-10 घंटे सॉफ्टवेयर की ऐसी, वो भी बहुत ही प्रेशर वाली जॉब होती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये था कि नहीं तैयारी करूँगा तो ही कुछ कर पाऊँगा, अदरवाइज़ इसी फील्ड में रह जाऊँगा, तो
हर दिन का मेरा प्लानिंग ऐसा होता था कि हर दिन एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो एक घंटे टाइम निकालना, और वीकेंड जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती थी तो उसमें 4 से 5 घंटे का टाइम देना, या कभी ज़्यादा हो गया तो 7-8 घंटे भी टाइम दे दिया सैटरडे संडे को, तो इस हिसाब से मैनेज कर पाया मैं। किसको रोल मॉडल मानते हैं, चाचा जी हैं एक, और किसे रोल मॉडल मानते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँचे? रोल मॉडल मैं अपने पापा को और मम्मी को, पापा को खास करके क्योंकि उनकी वो भी एज अ टीचर सर्विस दे रहे हैं कंट्री को, फ्यूचर शेप कर रहे हैं बच्चों का, तो उनके थ्रू उनकी जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ थी उनको देख करके मैं इंस्पायर हुआ था, तो वो मेरे रोल मॉडल हैं। जितना हार्ड वर्क वो करते हैं, जितना दूसरों के लिए केयर वो करते हैं, तो वो एक मेरे लिए रोल मॉडल है, मैं हमेशा उन्हीं को देख के आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या करने की सोच? आगे अभी तो मेरे शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं कि अभी एज ए न्यू कमीशन ऑफिसर जाऊँ, अपने यूनिट में अच्छा परफॉर्म करूँ, अपने जवानों के साथ अपने लोगों के साथ अच्छे से चीज़ें समझ पाऊँ एज ए नए ऑफिसर, और फिर जितना हो सके मैं अपने बेस्ट ऑफ कैपेसिटी में सर्विस दे पाऊँ कंट्री को।